ये जो व्हील देख रहे हैं, जो पानी देख रहे हैं, पानी वाला व्हील देख रहे हैं, इसका नाम है दातपुर व्हील। हम जा रहे हैं आगे गांव पे। एक काका से बात की है, काका गांव के बारे में बताए हैं, जो यही काका है, इन्होंने बताया है जो ये जगह का जो नामकरण हुआ है, कौन किया है, क्या किया है, मुझे उनको पता नहीं। ये गांव कब बना है ये भी उनको पता नहीं। इन लोगों को मेन काम है कि ये लोग मेनली किसान हैं, ये लोग कृषि काज के ऊपर ही जीवन यापन करते हैं अपना। हम लोग पहुंच गए किनारे की तरफ, पहुंच गए किनारे पे, अब उतरना है। मैं पहुंच गए शाखदाव में। यहाँ पे गंगा जी का वो शाखा जो है, शाखा नदी पूरा घेर लिया है। ये एक आइलैंड है, और जब हम लोग नाव से उतरे हैं, देखिए उसके बाद ये रोड के हालत, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो बेकार लग रहा है। अब काका के यहाँ से अभी निकलेंगे। काका लैया दिए थे, खाए हैं, जिसको बंगाली में मूढ़ी बोला जाता है। तो अभी तो फिलहाल निकलना है यहाँ से। काका तो चलते हैं। हाँ, मैं जब यहाँ आए हैं ना, तो लोग कह रहे कहाँ से है, तो मैं बोले कोलकाता से आए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत क्रीचर है रोड पे, तो उसका वीडियो उठा के, मतलब कमनों छोड़ दीजिए, यहाँ पे लोग सुनता नहीं है बात। तो मैंने बोला न्यूज़ चैनल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब ये देखने आए तो इसको वीडियो में ज़रूर डालेंगे। पहले ही मैं वीडियो करके रखे हैं कचरे के, आप लोग जानते ही हैं, देखे पहले जो रोड का हालत कैसा है, कचरे। शाखदोह में मैं जो आए हैं, जो दीप है एक, तो यहाँ पे आए तो इन लोगों का बहुत सारे शिकायत है। मतलब न्यूज़ चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको डालना ज़रूरी लगा मुझे, तो मैं इसको डाल रहे हैं। अपना नाम? हमारा नाम जहांगीर विश्वास। इनका नाम जहांगीर विश्वास है। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है आपका? हम लोग का कुछ नहीं मांग है, मांग है एक रास्ता, रास्ता का ज़रूरत है यहाँ, और ब्रिज का भी ज़रूरत है। ब्रिज तो कर दिया का तो अब बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, ये बारिश के टाइम में इस जगह का हाल कैसा होता है? अच्छा, बहुत दिक्कत। आप पंचायत से बोले हैं, बात की है? बहुत बार बात की है वो लोग को। तो पंचायत क्या बोले? कुछ नहीं किया वो। कुछ बोले तो है, कर देंगे, रास्ता होगा, कभी भी होगा। आप लोग कितना साल से मांग कर रहे हैं इसका? ये कम से कम 20 साल से। 20 साल से। यहाँ पे वोटर कितना है? वोटर कम से कम 350 होगा, 250 नहीं कि 250 होगा। और लोग यहाँ पे कितना घर है? यहाँ 150। 150 घर है, मतलब पक्का नहीं है, लेकिन 150 घर है। अच्छा अच्छा, आप लोग शिकायत किए फिर भी कोई काम नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, और ये बताइए, आप लोग वीडियो से बात किए थे? वीडियो से बात किए थे आप लोग? कथा बोले थे वीडियो से? वीडियो से बड़ा है, जो रास्ता। अच्छा अच्छा, ये देखिए आगे तो कच्चा है, ये यहाँ पे कंक्रीट वाला रोड बना दिए हैं, शायद 3 इंच का होगा, 3 इंच का रोड है। 3.5 इंच। हाँ, कितना फीट होगा टोटल रोड? 150-200 फीट होगा। लेकिन जो मेन रास्ता है, वो मेन रास्ता पूरा कीचड़ भरा रहता है हर टाइम ना। हाँ, देखिए ना, ये धार देख के जाइए। हाँ, मैं देखे है, वीडियो में डाल देंगे। अच्छा, आप लोगों का मांग है रोड चाहिए पहले? हाँ, पहले रोड, यहाँ का बहुत दिक्कत है, सारे लोग का दिक्कत होता है। सरकार से गुजारिश ये है, हमें रोड चाहिए। और जितना यहाँ का वोटर है, सब दीदी को भी वोट मारते है, किसी के भी नहीं, एक तरफ से वोट होता है। अच्छा, वोटिंग जो होता है दीदी का ही वोट होता है? हाँ, दीदी का भी वोट होता है। अच्छा, किसी का नहीं है। लेकिन यहाँ एक ये है, ठीक हो, मेंबर है यहाँ का, इसी गांव का। हाँ, गांव का ना है, बगुल का। अच्छा, दादपुर बाजार। ये जो जगह है शाखदाह, जो जगह है, इस जगह का जो मतलब पंचायत है, पंचायत यह दादपुर का नाम पर। हाँ हाँ, दादपुर का नाम पर। अच्छा अच्छा, तो ये जब यहाँ पे बाढ़ बाढ़ आता है, मैंने पानी वानी भर जाता है, तब मेंबर आते हैं यहाँ पे? कभी कभी आते हैं। अच्छा अच्छा, आप सुन ही रहे,
जो यहाँ का हाल कैसा है थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग शेयर करते रहिएगा और इन लोगों का जो प्रॉब्लम है इसका कोई हल निकल जाए, यही आप लोग गुजारिश करते हैं। रास्ता है, हाँ, रोड है, हाँ, वहाँ एक गंगा का साथ है, गंगा साथ में एक गंगा का पानी आते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, वो पानी आके वहाँ भी ब्रिज होना चाहिए तब रोड होगा। अच्छा अच्छा, तभी रोड होगा, छोटा बड़ा ब्रिज होना चाहिए। अच्छा, तब रोड अच्छा हो जाएगा। उसका भी एक तो सुशान घाट भी है, वो जाने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ अभी दो मनीष पानी निकलता है अभी। अरे अच्छा, यहाँ का कोई ग्राम का आदमी मर जाएगा तो जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मतलब उनको जो दहन किया जाता, हाँ, है वो करने में मुश्किल हो जाता, बहुत है, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा, क्या का नाम? कार्तिक राजवार। अपना नाम? सुबोध राजवार। अपना नाम? पागल राजवार। আপনাদের কি সরকারের কাছে কি দাবি? আমাদের একে দাবি মানে আমাদের রাস্তা ঘাটে এসে দাবি, ব্রিজ একটা রাস্তা, আমাদের ব্রিজ দরকার, রাস্তা দরকার। হ্যাঁ, সরকারকে বলেছেন আগে কখন আপনারা? আগে তো আলোচনা হয়েছিল ওই রাস্তার জন্য। আচ্ছা, তখন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতকে বলেছিলেন? হ্যাঁ, থেকে সব কিছু হচ্ছে। আচ্ছা দাদা, আপনি আজ হবে কাল হয়ে গেছে। না, আমার নাম পল্টু রাজু। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনারা কথা বলেছেন কিন্তু এখানে কোনো কাজ হয়নি? কোনো কাজ হয়নি, এই বছর হবে, সামনে বছর হবে, এই দেখাচ্ছে ও বছর হবে হবে বলে আমাদের এই ভাবে দিনটা চলবে। আপনারা ভিডিও ভিডিও জানেন না? ভিডিও তো জানি, সব জানা আছে, ভিডিও ভিডিও সব আছে, পাঁচ ফিগিছে। ভিডিও অফিসে জানানোর পরে কোনো কাজ হয়নি? কোনো কাজ হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই ভিডিওটা আমি ছাড়বো। এসছি যখন দেখলাম দাদা বললো, তারপরে আর একটা কাকুর সাথে যোগাযোগ হয়েছিল, উনিও বললো যে রাস্তার অবস্থা এত, আর আমিও আসছি, রাস্তার বহুত খারাপ অবস্থা। তো নিজে দেখছেন? হুম, সে দেখলাম। আপনাদের অন্য কিছু সরকারের কাছে দরকার নেই? না, আমাদের রাস্তা হলো আমাদের অবস্থা, রাস্তা হোক, ব্রিজ হোক, শ্মশান ঘাটটা ঠিকঠাক হোক, যে কোনো ফসল অমুক টমুক ওগুলো হয়ে যাবে, মাথায় বলি কষ্ট হয়, মানুষ যেতে পারবে না? যেতে পারবে না, ঠিক আছে। বৃষ্টি হয়ে গেল, দাঁতপুর বাজার যেতে হয়, দাঁতপুর বাজার থেকে রাত্রে হোক আর যেকোনই হোক একটা মেয়ে ছেলে পার হতে হয় কষ্ট করে, ফির তাকে জিনিস কিনে নিয়ে ফিরে আসতে হয়, ছটা বাজতে বাজতে তাকে ফিরে আসতে হয়। হ্যাঁ, যে দু ঘন্টা থাকবো, ইচ্ছা মতন থাকবো, থেকে বাড়ি আসবো, সে কাজ হয় না ওদের। সব থেকে বড় সমস্যা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে, হ্যাঁ, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে এখান থেকে ধরেন কোনো পেশেন্টকে নিয়ে যেতে এত অসুবিধা ওদের, কোনো ভালো করা যায় না, বুঝলেন? ইন লোক কা মানে হে জো রোড চাহিয়ে, রোড কে বিনা কুছ নহীঁ হো সকতা, কিউকি এ লোক বাজার যাতে হ্যাঁ, দাউদপুর বাজার মে তো, দাউদপুর না, দাঁতপুর, দাঁতপুর বাজার মে যাতে হ্যাঁ, তো এসা দিক্কত হতা হ্যায়। আপনার নাম কি? টুনুবালা রাজওয়ার। কি চান আপনি? আপনাদের কি সমস্যা? আমাদের সমস্যা হচ্ছে রাস্তার সমস্যা, জলের সমস্যা ছিল, জলে যা হোক একটা ট্যাঙ্কি করে দিয়েছে, ওটা এখন জলের আর কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের অবশ্যই রাস্তার দরকার, রাস্তার দরকার, রাস্তা না থাকলে যাতায়াতের অসুবিধা হয়, গাড়ি ঘোড়া সব কিছুর অসুবিধা, পারাপারের অসুবিধা, যদি লোক অসুস্থ হয় সেক্ষেত্রে নিয়ে যেতে সমস্যা, হ্যাঁ সমস্যা হয়, পারাপার আমাদের হয়তো একটু ডেলিভারি কোনো মেয়ে কি অসুবিধায় যেতে হয় সেখানে, রাস্তাঘাট নেই আমাদের। আচ্ছা, রাত বিরেতে তো অসুবিধা হয়, দিনের বেলায় তো অসুবিধা হচ্ছে। আপনাদের শুধুমাত্র নৌকাই সাহারা, আর কিছু নেই? না, নৌকাতে আবার ঘাটে যদি পানারি খুব জাম হয়ে যায় তাহলে আবার পারাপারেরও অসুবিধা। আচ্ছা, আমাদের খুবই সমস্যা। আপনাদের রাস্তা চাই, অন্য কিছু দরকার নেই? আমাদের এখন আপাতত রাস্তার দরকার। আচ্ছা, অবশ্যই রাস্তার দরকার আমার। আমার নাম হচ্ছে অরুণ রাজার। কি চাই আপনাদের? এই গ্রামের বাসিন্দা, এখানকার প্রায় খেটে খাওয়া মানুষ, যা হোক আগে তুলনায় একটু সচল হয়েছে এখনকার মানুষ। তো এখানকার মেন বক্তব্য হচ্ছে মানুষ এখন পার্টি নেতা হোক সরকারকে হোক ধান চাল চাইছে না, এখন রাস্তাটা দরকার, রাস্তাটা দরকার, রাস্তা মানে রাস্তা, এত রাস্তার পরিহাল খারাপ তা বলা যায় না। তো এই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য, রাস্তাটা হচ্ছে মেন, মানে রাস্তা হলে চলবে। হ্যাঁ, এই যে রাস্তার পরিস্থিতি, আর কাদা কর্দমাক্ত হয়ে আছে রাস্তা। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমার ভিডিওটা আমি শেয়ার করে দেবো, আশা করি সরকার পর্যন্ত যদি পৌঁছায় কোনো না কোনো হাল অবশ্যই বেরোবে। ইতনা খারাপ রোড, মানে পুরা জো ইহাকে যে দ্বীপ জো হ্যাঁ, পুরা দ্বীপ কা হালাত এসাই হ্যায়, শায়দ 200 বা 250 মিটার রোড জো হ্যাঁ, ও আচ্ছা হ্যাঁ,
मतलब अच्छा है, मतलब वो कंक्रीट रोड है, बाकी सब का हाल यही है। मुझे लगता है आप लोग इसको शेयर करेंगे और शेयर करके इन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सरकार तक पहुंच जाएगा तो शायद कुछ हल हो जाए इन लोगों का। हमारा नाम पुरान राजवार। हाँ, की समस्या अपना? समस्या अपना वही जे रास्ता घाट नहीं, रास्ता नहीं है ना, रास्ता नहीं। और अपना दर हमारा लड़का शादी नहीं होगा। हाँ, शादी नहीं होगा। हाँ, मतलब हमारे में ही होगा, मतलब तो, लड़की को लेके जाएगा या शादी करके, लेकिन लड़की आएगी नहीं। हाँ हाँ हाँ। नाम क्या है आपका? मदन राजवाड़। क्या तकलीफ है? तकलीफ हमारा तो रास्ता घाट, रास्ता घाट तकलीफ है। हाँ, थोड़ा माने एक यदि बच्चा होता है तो हॉस्पिटल ले जाएगा तो खटिया से ले जाते हैं, लौका में चढ़ाते हैं, उसका बाद जहाँ हम लेके जाते हैं ऊपर। ये सब माने हम लोग का थोड़ा तकलीफ मतलब पूरा है। प्रेग्नेंट लेडी अगर डिलीवरी के टाइम हो खटिया से लेके आना पड़ता है, उसके बाद नाव पार करके लेके जाना पड़ता है। हाँ, गाड़ी घोड़ा नहीं है। रात में होगा तो? रात में बहुत विपद, रात में बहुत तकलीफ होता है। मैं और कोई दिक्कत आप लोगों को? मेन मांग यही है जो हमें रोड चाहिए। रोड चाहिए। हाँ, मुझे चाल दाल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, रोड चाहिए। ठीक है, मैं ये वीडियो डाल देंगे यूट्यूब। ठीक है, और सबसे मैं गुजारिश करता हूँ जो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो ये जो शाक दह है इन लोगों का तकलीफ कम हो जाए, कम से कम रोड इन लोगों को मिल जाए। नेता लोग तो वोटिंग के लिए आते हैं, बाकी टाइम आते नहीं, नहीं। तो उन लोगों को भी जानना चाहिए जो ये भी इंसान है, इन लोगों को भी जिंदा रहने का हक है। सिर्फ वोट ले लेंगे और बाकी टाइम आप लोग ऐसे घूमते रहेंगे, ये बहुत खराब बहुत खराब बात। तो मजा में मत रहिए, सबका तकलीफ देखिए और आप वोट के टाइम आइए, वोट भी लेके जाइए, लेकिन हाँ सबसे बड़ा बात है इनका पहले हाल निकाल दीजिए। सागदह ऐसा एक द्वीप है जो पश्चिम बंगाल में और कहीं नहीं है, और ये गांव भी सुने हैं बहुत पुराना यहाँ के लोगों के मुंह से। ये आइलैंड को बचाना चाहिए सरकार को, और इस जगह एक ऐतिहासिक जगह बन के रहेगा, लेकिन अगर यहाँ के लोकल नेता लोग खाने के चक्कर में रहेगा तो ये कभी नहीं बन पाएगा। तो डायरेक्ट सरकार से गुजारिश करता हूँ जो आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। और यहाँ पे साइकिल ये लोग गांव के अंदर ही चला पाते, बाहर नहीं जा पाते, और बाइक दो तीन थी है यहाँ पे, तो जब सूखा के टाइम आता है लोग तभी निकालते हैं, बाकी टाइम ये शोकेस में सजा के रखने के लिए रखा जाता है। मतलब जस्ट क्या बताए, सागदह को बचाना चाहिए यार, ये पश्चिम बंगाल में एक है, बार बार कह रहा हूँ, तो बचा लीजिए आप लोग, इसको ख़राब मत होने दीजिए। लोग तो सैटेलाइट में भी नहीं नाम आता है, शायद आता भी होगा, मैं चेक नहीं किया, लेकिन आपके मन में भी होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो प्रेग्नेंट मतलब औरत के लिए क्या दिक्कत हो सकता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा झील है, ये गंगा गंगा संगम ही आता है ना, गंगा ये मेनली इस तरफ गंगा है। हाँ, इस तरफ गंगा है और गंगा का ही कोई शाखा है। ये शाखा पूरा घूम के, हाँ ये शाखा पूरा घूम के गए हैं, और वो तो आपको पता ही है शाख मैंने सागदह है, आपको पता ही है वो सागदह है, आपको पहले ही बता दिया वीडियो में। तो यहाँ पे जो औरत प्रेग्नेंट होता है उनको डिलीवरी कराने के लिए आपको पहले भी बता दिए, जो उनको खटिया से उठा के लाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ नाव, ये जो नाव चल रहा है अभी, ये जो नाव चल रहा है आप कैसे दिखा है यार, ये जो नाव चल रहा है यही नाव ही इनका सहारा है, इसके बगैर मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। मान के चलिए बारिश के टाइम अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कैसे क्या होगा, ये इसका हाल निकालने के लिए आप ही लोग सामने आ सकते हैं, आप ही लोग आएंगे तो ही काम होगा, आप आएंगे, हम आएंगे, सब लोग आएंगे
तभी कोई काम होगा। नहीं है आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सागदाव का ये जो प्रॉब्लम है ये आप ही के हाथ में है, अगर आप शेयर करेंगे तो शायद ये सरकार तक पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगा तो यहाँ के नेता लोगों के पास आएगा। मतलब ये लोग तो खा पी के बैठे हैं, शायद ठीक हो जाएगा सब काम। उन लोगों को जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो ये लोग काम जरूर करेगा। सरकार को भी पता चलना चाहिए, दादपुर पंचायत के नाम पे सागदाव बोल के एक द्वीप है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए आज यहाँ तक, और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते, सब खुश रहिए।